हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का हाफ डे में कंप्लीट रिवीजन करोगे। इससे पहले ये आप लोगों का लास्ट एग्जाम बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें अपनी जान लगा देनी है आप लोगों को। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होंगे। 7 डेज से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, कंटिन्यूसली डे नाइट स्टडी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, बस एक दिन, सिर्फ एक और दिन लास्ट बचा हुआ है आप लोगों को। अपना 100 नहीं, 200 नहीं, 500% आप लोगों को अपने एफर्ट दे देना है। इसके बाद आप अपनी इंजॉय कीजिए, छुट्टियां मनाइए, कुछ भी कीजिए, बट ये एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है। मैंने भी बहुत ग्रुप दिया था, मुझे पता है कि 7th 8th एग्ज़ाम में क्या कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे आप अपनी रिविज़न करोगे। सबसे पहले आज रात को अपनी आप लोगों को डिसाइड करके क्या करना है, कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करना है। कंपनी अकाउंट्स में आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इतना तो मिनिमम आप लोगों को आज कंप्लीट करना ही करना है। प्लस आप लोग अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस भी कर लेते हो तो कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन यहीं पर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को करना ही होगा इतना आज। अगर आप लोग कंपनी अकाउंट्स आज करके सोते हो रात को, उसके बाद मॉर्निंग में उठकर आप लोगों को सबसे पहले MCQs की रिवीजन देनी है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, MCQs की रिवीजन देनी है। उसके बाद आप लोगों को ऑडिट का जो बचा हुआ पोर्शन आप लोगों का होगा, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, मिसलेनियस ऑडिट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, दीज 3 चैप्टर्स कंटेन्स मैक्सिमम वेटेज फ्रॉम ऑडिट। जो आप लोगों का मिसलेनियस ऑडिट हुआ लास्ट चैप्टर, इससे जो शॉर्ट नोट्स आते हैं 5, वो इसी चैप्टर से आते हैं, आप लोगों को इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आप लोगों को निगलेक्ट नहीं करना है। प्लस जो बचे हुए और भी चैप्टर्स हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब चैप्टर्स को भी आप लोगों को अपना रिविज़न देना ही देना होगा। इतना करके जाइए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। और होप आप लोगों के सारे एग्ज़ाम अभी तक बहुत अच्छे गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा।